हेलो। हेलो भल्ला जी। हाँ जी भल्ला जी, मैं रवि पुंज बोल रहा हूँ। वो गायत्री पुंज जी का हस्बैंड जो जी आपसे हाँ थोड़े दिन पहले आपसे बात हो रही थी ना, जी हाँ जो एक मिनट जरा बात कीजिए, फिर उसके बाद मैं अभी एक बारी बात करना चाहूंगा आपसे। अच्छा, जी एक्चुअली जो जैसा आपने थेरेपी इनको बताई थी ना, तो वो फॉलो कर रहे थे, तो मैं उनका डाटा रख रहा था रिकॉर्ड कि क्या कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, तो वो मैं जरा शेयर करना चाह रहा था आपसे। हाँ जी हाँ जी बोलिए। जब से वैसे आपने जो बताया मेडिसिन तो कोई नहीं ले रही, ठीक है, तो कुछ बेनिफिट यही दिख रहा है कि बिना मेडिसिन के जो 30 तारीख से शुरू किया था फास्टिंग में, उनका जो शुगर लेवल 130 था मॉर्निंग में, और रेंडमली फिर किया था शाम को खाने के बाद, हाँ जी वो था 267। ओके हाँ ओके, और फिर फर्स्ट को किया था फास्टिंग थी 121 जी और रैंडम था 245, ओके कम हो गया मतलब उससे पहले पे फर्स्ट डे से। और सेकंड आज किया था, तो आज में फास्टिंग 139 है और रैंडम 210 है। ये 7 बजे किया अभी आधा घंटा ओके पहले। ओके और बीपी जो चेक किया, बीपी पहले मैंने चेक नहीं किया था, बीपी आज ही किया था सुबह। थोड़ा सा दोपहर के आसपास कंप्लेंट कर रही थी, मेरे हेडेक सी हो रही है, मैं कहा चलो बीपी चेक कर लेता हूँ। वो चाय छोड़ने की वजह से हो रही होगी। नहीं, चाय तो, हाँ चाय तो नॉर्मल ही है जैसे ले रहे हैं, उतनी कोई ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहे, नहीं बंद नॉर्मल। नहीं करी शायद, मैंने बंद करने के लिए बोला था, बंद पूछ बंद तो लीजिए। नहीं किया है उन्होंने, बंद तो नहीं किया है, बट वही है सुबह जैसे एक ले ली, एक दोपहर को ले लिया, ऐसे ली है, अच्छा अभी बंद नहीं की है। बट बीपी जैसे 179-178 था 3:30 बजे, और अभी अच्छा शाम को, हाँ आज, और शाम को 7 बजे किया था 137-90 था, क्योंकि सिर दर्द भी नहीं है अब तो, मतलब ओके ठीक हो गया, नॉर्मल आ गया। 7 बजे तो नॉर्मल लग रहा था, 137-90 शायद नॉर्मल ही होता है ना, कि रेंज तो हाँ ठीक ही इस है ये। मतलब इस एज में इसको कहते हैं कि दवाई की जरूरत नहीं है इस एज में। हाँ, दवाई की जरूरत नहीं है, मतलब अभी ये जो रिकॉर्ड आपको मैंने दिखलाया है तो सेटिस्फैक्टरी इस सेंस में है, क्योंकि दवाई नहीं ले रहे बिना मेडिसिन के। अगर ये मेंटेन कर रही हैं, अगर आपके हाइड्रोथेरेपी से, तो मेरे ख्याल काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस मैं तो मानूंगा इसको, काफी अच्छा चेंज हाँ है। या बेसिकली थ्योरी तो मोरलेस ठीक है, बट इसमें एक ही इशू होता है कि बीच बीच में थोड़ा सा जंप मारता है, एक दो बारी के लिए भी, एक दो दिन के लिए हाँ हाँ तो, पर हाँ जंप मारने के बाद वो अपने आप आ जाता है अगर इनको हम फॉलो करते रहते हैं तो। एक तो है कि रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जहां तक हो सके दिन में 2 बारी तो होनी चाहिए, और जहां पर भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज्यादा लगे तो उसमें हल्का सा पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, अच्छा, मतलब जबरदस्ती ओके, नहीं करनी चाहिए अपने साथ। अच्छा, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है कि हमें लार्ज इंटेस्टाइन में कम से कम पानी पहुंचाना है, बट एट द सेम टाइम जब दिक्कत होती है तो हमें अगर 1-2 घंटे में 2 गिलास 3 गिलास भी लेना पड़ा है तो वो भी ठीक है, बिकॉज अच्छा। मेटाबॉलिक वेस्ट भी होती है जो हमें क्लीन करना है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर जंप करता है तो वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए। अच्छा हाँ जी थोड़ा सा बढ़ा लें और फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप दें और फिर रेस्ट करके देखें कैसे होता है, फिर अगर बीच में 1-2 दिन बढ़ा भी लेना चाहिए ओके। कंटिन्यूअसली एक, क्योंकि जैसे आप ये कर रहे हैं ना तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइम होता है, बट शुरू में तो गिरता रहेगा, फिर ये हाँ जंप करने लगता है, तो हमें आइडिया लगाना है कितने दिन में जंप करता है, तो अच्छा, उस जंप के डेट आने से पहले ही हम पानी का इंटेक अपने आप बढ़ा दें तो वो जंप भी नहीं करेगा, तो स्मूथ चलता रहेगा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं अब नॉर्मली अपने लिए मैं जानना चाह रहा था, इनका तो जी खैर समझ गया, कि जैसे मैं तो पानी वैसे नॉर्मल इंटेक ज्यादा ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा सुनने में आया था, कहीं पढ़ा भी था कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, स्पेशली गर्मियों में, बट सर्दी जैसे 2 से 3 लीटर कहते हैं पीना चाहिए कम से कम। तो मैं सुबह खाली, अपना मैं बताता हूँ, मेरी जो दिनचर्या ये है कि मैं सुबह उठते ही खाली पेट 3 छोटे गिलास जो होते हैं तकरीबन 200 ml 250 ml के मान लीजिए, वो मैं 3 गिलास सुबह में हल्का कोसा गर्म करके पीता हूँ पानी, तकरीबन आप समझ लीजिए 6 बजे, ठीक ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मल चाय पीता हूँ, बैटी जैसे होती है, एक एक डेढ़ घंटे के बाद तो बैटी पी लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। हाँ, बट ये आजकल मैं आपका, आपने इनको बताया कि आपको पानी बीच में पीना है मील्स के, पहले या बाद में नहीं पीना, 1 गिलास पीना है बीच में, तो मैं उसको मैं भी फॉलो कर रहा था अपने लिए भी, तो पर मेरे लिए कोई आपको कोई हार्म इश्यू है क्या? नहीं, कोई इशू नहीं है, बट ऐसे कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। अगर सुबह पीते हैं ना तो उसमें लाइक द लॉट ऑफ पीपल फैमिली में अदरवाइज जो इस रूटीन पर चले हैं, हाँ आप मॉर्निंग में कुछ वॉक वगैरह के लिए भी जाते हैं?
मैं जाता था बट मेरी अब आजकल नहीं जा रहा हूँ, लगभग महीने से नहीं जा रहा हूँ। तो वॉक पे तो समझे कि बिल्कुल नहीं जा रहा आजकल, बट नॉर्मल वैसे एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत नहाने से पहले मैं कर लेता हूँ। आपकी एज कितनी है? मेरी 60 है, तो वैसे एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी शुगर का कोई दिक्कत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी नहीं है। बीच में मैंने दो बार तकरीबन 2 साल पहले मैंने चेक करवाया था, क्योंकि मेरे को ना वीकनेस बड़ी लगती थी, जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा थकावट थकावट सी लगती थी जैसे बोलते हैं, तो मैंने चेक कराया था। मेरे को डॉक्टर ने बोला थायराइड चेक कराओ अपना, तो थायराइड था मेरे को उस वक्त, ठीक है। तो बट उसके बाद मैंने चेक नहीं करवाया, बट ठीक है, इतनी ज्यादा थकावट अब तो नहीं मेरे को लगती है, तो थायराइड मेरे को कंट्रोल में लगता है। तो उस वक्त थायराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों चेक करवाया था मैंने, तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था और थायराइड भी बढ़ा हुआ था। तो ये जो थायराइड होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड शुगर होती है और हार्ट का रेट होता है, हाँ, ये सारे के सारे हमारी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करने का काम करते हैं। हमारे वाइटल ऑर्गेन्स के लिए एनर्जी बहुत एसेंशियल है। अगर हमारे वाइटल ऑर्गेन्स को एकदम हेल्थी रहने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो हमारे एक के बाद एक बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। अब बेसिकली इशू जो होता है दूसरा वो ये है कि जो एजिंग है, एजिंग को ये माना जाता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारा मेटाबॉलिक रेट गिरेगा। करेक्ट, हाँ। अगर मेटाबॉलिक रेट गिरेगा तो मतलब हमें जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी एज के बाद वो होगी कि हमारे हार्ट को जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही। सो अब ये जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे बॉडी उसमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, थायराइड ग्लैंड की तरफ काम करेगी या कुछ और करेगी। सो बेसिकली ये जो भी चीजें हैं वो उस एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इनमें बाय इटसेल्फ कोई खराबी नहीं है, मतलब अगर हम कहें हमें ब्लड शुगर या थायराइड की दवाई लेनी चाहिए तो किसी की दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो ओनली थिंग इज कि जिस समय हमें ये समझ में आने लगे कि हमारा एनर्जी लेवल कम हो रहा है, सो वी शुड फोकस हाउ टू इंक्रीज अवर एनर्जी लेवल। अच्छा, अब जहां तक पानी पीने की बात है, जैसे ही आप रिटायर होते हैं तो आपकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है बहुत कम हो जाती है। करेक्ट, एक्टिविटी कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन कम होता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट भी कम होती है। करेक्ट, हाँ। अब अगर हम ज्यादा पानी लेते रहेंगे तो वो और नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारे मेटाबॉलिक रेट को। अच्छा, सो हमें नाप तोल के लेना चाहिए, मतलब बेसिकली हमें ये कम ज्यादा करते करते ना एकदम एक्यूरेट पता होना चाहिए इतने पर ठीक रहता है। वैसे तो बॉडी अपने आप मांगने लगती है, अगर सपोज हम एक्टिविटी नहीं है जिस दिन, जैसे आजकल मैं घर पे रहता हूँ तो पानी का ऑटोमेटिकली मेरा इंटेक कम हो जाता है। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो पानी की बोतल लेके जाता हूँ साथ में, तो पानी का इंटेक बढ़ जाता है क्योंकि गर्मी होती है, हाइड्रेशन होता है, पसीना निकलता है, तो पानी की अपने आप बॉडी डिमांड करती है तो पानी पीता है। सर मैं एक यहाँ पर बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको शुरू किए हुए मेरे को हो गए 2-3 महीने। अच्छा, तो व्हाट आई फाउंड इज कि जैसे हम इसको करते हैं 5-6-7-8 दिन हो गए, तो धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम हम रेस्ट्रिक्ट तो कर रहे हैं पानी को 3 या 4 गिलास, पर धीरे धीरे करके हमारे मुंह में सलाइवा बढ़ने लगता है और वो बहुत एक्सेसिवली बढ़ जाता है। अगर हम उसको कंटिन्यू होने देते हैं 6-7-8 दिन तक, तो उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम होती है कि मुंह में कुछ समझिए कट वगैरह लग जाते हैं या कुछ ऐसे लगता है जैसे दांत में आ गया, तो वो एक इशू होता है। अच्छा। अब दूसरा क्या है कि हमने पानी का इंटेक कम कर दिया, उसके बाद हमने घूमने भी गए 36 घंटे, हमने मतलब घूमा भी अच्छे से, डिहाइड्रेट भी अच्छे से किया, पर हमें प्यास नहीं लगती फिर। अब ये जो कंसेप्ट है ना कि हमारी बॉडी अपने आप इंडिकेट कर देती है, वो बहुत ही फ्लॉड है। अच्छा, फ्रॉड है। हाँ, बैक ऑफ इसका मतलब बैक ऑफ द माइंड हमको अपने आप लगता है कि पानी पीना चाहिए, पसीना ज्यादा निकल गया तो पानी पीना चाहिए, हमारे को अपने आप एक वो बैक ऑफ द माइंड चलने लगता है, इसलिए हम पानी पीते हैं। नहीं, वो उसके अलावा नहीं, पानी की प्यास हमें लगती है, पर पानी की प्यास का एक हमें पता होना चाहिए क्यों लगती है, साइंटिफिकली पता होना चाहिए। ये तो एक जनरल कॉमन सेंस की बात हो गई, डॉक्टर्स भी बहुत बोलते हैं कि जब प्यास लगे तो पी लेना चाहिए। नाउ देयर आर पीपल जो 6-8 लीटर पानी पीते हैं एंड उनको हमेशा प्यास ही लगती रहती है, रात को भी उठेंगे तो उनको प्यास लग रही होती है, पेशाब करते हैं, 2 गिलास पानी और पी लेते हैं, सो जाते हैं। परंतु जैसे ही आप पानी का इंटेक कम करते हैं प्यास लगनी बंद हो जाती है। अच्छा, अब जो मैंने शायद नोट भी भेजा था इनको शेयर करने के लिए, तो उस नोट का बेसिकली क्या है कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसके मेजर 2 डिवाइड होते हैं, 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक होता है ब्लड,
और बाकी का जो फ्लूइड होता है वो सेल्स में या सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, तो अभी फॉर द टाइमिंग हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, टोटल तीन कंपार्टमेंट होते हैं, वो कन्वीनियंस हम दो कर लेते हैं, तो एक हो गया सेलुलर और एक हो गया ब्लड। ओके, तो जिस समय हमारे मिनरल्स जो 90% वाला सेलुलर पोर्शन है उसमें कम हो जाते हैं, तो उस कम की पोजिशन में क्या होता है कि जैसे ही हमारा ब्लड वॉल्यूम थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो इमीडिएटली फ्लूइड वहां से 90% में जाता है, क्योंकि वहां पर मिनरल सप्लाई करना है, कम हो रहे हैं विच आर वेरी एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो। जैसे ही ब्लड वहां पर ट्रांसफर होता है वैसे ही हमें प्यास लगती है। अच्छा। जैसे वो थ्रेशोल्ड लिमिट को टच करता है, लिमिट को टच करता है, तो इसलिए जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है, क्योंकि उनका जो ज्यादातर पानी है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो हमारे सेलुलर लेवल पर जा रहा है डायरेक्टली। अच्छा, उसका मे बी 10-15% ब्लड में जाता है, और जैसे जितना ही ब्लड में जाता है उससे ज्यादा वो ट्रांसफर करने में लग जाता है फिर। अब उसको अगर हम खाने के साथ पी रहे हैं तो वो सारा का सारा पानी और 90% पानी हमारे ब्लड में जा रहा है। ओके, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ 90% वाला जहां पर है वहां पर फ्लूइड ऑलरेडी ज्यादा है, तो वहां पर हम पानी नहीं पी रहे खाली पेट, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, तो अब वो कम होने लगता है तो मिनरल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है वहां पर, तो जो हमारी बॉडी की नीड होती है वो करीब करीब पूरी हो जाती है। अच्छा, और इधर हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो अब क्योंकि मिनरल की वहां रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये ब्लड वहां पर जाता ही नहीं है ज्यादा, जाता है तो थोड़ा बहुत जाता है, तो इसमें प्यास नहीं लगती। परंतु एट द सेम टाइम थोड़े टाइम के बाद हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा होने लगता है, लार्ज इंटेस्टाइन या जो सेलुलर वेस्ट होती है। अच्छा, तो उसलिए हमें जब स्लेवा ज्यादा होने लगता है इसलिए, तो इसका मतलब है कि ब्लड में से बिल्कुल वहां ज्यादा सप्लाई बंद हो गया और पेट हम वैसे नहीं पी रहे, तो हमें फिर एक दिन बीच में 7-8 गिलास या 10 गिलास भी पी लेना चाहिए। अच्छा, सो उससे वो मेटाबॉलिक वेस्ट भी नहीं बनेगा, तो हमें बैलेंस करना है बेसिकली। इसमें ये कोई थ्योरी नहीं है कि हमें एक ही डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मैंने वो इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स कर लिया है कि उसको थोड़ा सा भी एक्सटेंड कर दोगे तो वो उल्टा डैमेज करना शुरू कर देता है। अच्छा, यस। और अगर आप इसको बैलेंस करते हैं कि जैसे ही आपको थूक ज्यादा बन रहा है, स्लेवा ज्यादा बन रहा है, पानी का इंटेक बढ़ाएंगे तो आपको प्यास लगने लग जाएगी, और प्यास लगने के बाद 1-2 दिन लगने दीजिए, थोड़ा सा पानी का इंटेक कर दीजिए, और फिर जब लगे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो फिर दोबारा से इस पर आ जाइए। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमें खाने के साथ जो पानी पीना है बस उसी पे ज्यादा वही रखना ही है, खाने के साथ ही पीना है, आगे पीछे कम पीना है। और जब आपको करीब ये समझिए कि 50-50% ही पीना है, पर बीच बीच में, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जैसे आप 2-3 साल से कुछ कर रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए अभी इनिशियली तो हफ्ता 10 दिन तो ऐसे कर सकते हैं कि 4-5 दिन हमने बिना खाने के साथ लिया और बाकी कम कर दिया। फिर धीरे धीरे करके हम शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना खाने के साथ पी रहे हैं उतना खाने के अलावा भी पी रहे हैं। अच्छा, एक्सेसिव नहीं, वो बैलेंस हो जाए, तो वो मे बी 2-3 महीने में हमारा काफी हद तक वो बैलेंस बन जाता है। अच्छा, फिर उसके जो प्रोग्रेस है उसके लिए हम वेट कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे हो, ताकि एट द सेम टाइम रिस्क फैक्टर सारे कम हो जाए। अच्छा, ठीक है, तो मतलब मैं भी इसको फॉलो कर लूँ, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना सर। इसका मैं आपको एक शेयर कर रहा था, मेरे मासर जी थे अभी भी हैं, उनका क्या था कि वो भी पानी का इंटेक उन्होंने सुबह का बढ़ा दिया। अच्छा, एंड यूज टू गो फॉर वॉक ऑल्सो, 2-3 किलोमीटर भाग चल के भी आते थे और अच्छा एक्सरसाइज करते थे, रिटायरमेंट के बाद में भी उन्होंने काफी साल फिट रखा। सो आई ऑलवेज यूज टू कमेंट कि इससे जो ज्यादा पानी के इंटेक से सबसे पहले किडनी खराब होती है, और अल्टीमेटली जो ओल्ड एज में एक स्टेज के बाद में फिर कॉम्प्लिकेशंस बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। अच्छा, ही डिड नॉट लिसन, और आज की डेट में पोजीशन ये है कि ही इज ऑन बेड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम एंड ही इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो। अच्छा, और पिछले 10-1 साल से उनके साथ ये प्रॉब्लम है। ओके, एंड दे हैव बीन अदर पीपल ऑल्सो, लाइक जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं, अदरवाइज दे कीपिंग टोटल जितना भी एक्टिविटी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। पर जिन भी लोगों का पानी का इंटेक ज्यादा है वो किडनी की प्रॉब्लम बाद में होती है। सो मैं थोड़ा सा अपने आप को इसलिए रिलेट करता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि जैसे ही आप पानी का इंटेक कम करते हैं बिल्कुल छोड़ देते हैं तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी। ये वाला जो है थ्योरी, ये तो मैंने आपको बताया 3-1 महीने पहले शुरू किया है। उससे पहले मैंने डिहाइड्रेशन का रेगुलर था कि मैं महीने में 2-3 दिन बिल्कुल पानी एक बूंद भी नहीं पीता था। अच्छा, तो लास्ट ईयर मेरे डॉटर को कुछ जॉन्डिस वगैरह हुआ था, तो उसके लिए हम ब्लड टेस्ट कराने के लिए बुलाया, तो मैंने कहा किडनी का भी टेस्ट करा लेते हैं जो क्रिएटिनिन होता है। तो माइंड वाइज एट द लोएस्ट लेवल।
अच्छा, जबकि आज से 10-15 साल पहले भी आई यूज टू हैव प्रॉब्लम, मेरी किडनी में 3-4 स्टोन हुआ। अच्छा, तो 10 साल लास्ट वीक तो स्टोन नहीं हुआ। दूसरा जो क्रिएटिनिन विच इज अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट का, वो 0.7 to 1.1 नॉर्मल दिखा रहा था जो मेरा जहां से कराया था। अच्छा, मेरा एक बार 0.75 निकला और एक बार 0.65। अच्छा, तो अगर एवरेज ले तो 0.7 विच इज द एकदम मिनिमम। ओके, सो दैट मींस किडनी में भी कोई अभी तक इम्पैक्ट नहीं पड़ा उसका। एंड नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग, उसके बाद भी एक बार करा के देखेंगे। पीछे तो मैंने बिल्कुल नहीं कराया। और कोलेस्ट्रॉल भी कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं होती है। अगर आपके हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी तो कोलेस्ट्रॉल कभी कॉम्प्लिकेशन होगी और हार्ट अटैक कभी कॉम्प्लिकेशन होगी। उसका ऑयल से कोई लेना देना नहीं। आप जितना मर्जी ऑयल खाइए, ऑयल का भी ये है कि ऑयल, जैसे अभी जो साइंटिस्ट है नोबेल प्राइज विनर्स, दे से कि जो फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो लीवर बनाता है और वो एसेंशियल होता है आपके सेल के लिए, बेसिक हेल्थ के लिए। ओके, तो अगर यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि आपका जो 90% वाला एरिया है उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड से जाने चाहिए। वो ब्लड से जाने की जगह डायरेक्ट पानी से जाने शुरू होते हैं, तो फ्लूइड वहां पर बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल वहां पर ही कम हो जाता है। सो वो कॉम्प्लिकेशन होता है। उस कोलेस्ट्रॉल को पूरा करने के लिए फिर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। उसका क्लॉटिंग से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी लेवल कम होता है तो ब्लड का जो पुश होता है, हार्ट का जो पंपिंग पावर होती है, वो गिर जाती है। तो ब्लड टेक्स लॉन्गर टू पास थ्रू और बीच बीच में बैक मार जाता है कि जो वॉल वगैरह का जो एफिशिएंसी होती है वो भी खत्म हो जाती है। बेसिकली जब हार्ट ने पंप किया तो ब्लड गया, तो वॉल खुलते हैं, ब्लड पास हो जाता है, फिर वॉल बंद हो जाता है। तो इससे पहले कि वो वॉल बंद हो, ब्लड बैक मारने लग जाता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। अच्छा, दैट इज द मेन रीजन। और हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ने का, अगर किसी का हार्ट अटैक हो गया तो बाद में क्लॉटिंग तो निकलेगी, क्योंकि जब भी उसका टेस्ट किया जाएगा, दैट विल बी आफ्टर सम टाइम, तो हार्ट अटैक तो दिखाएगा। बट वेदर द क्लॉटिंग वॉज बिफोर और आफ्टर, दैट इज वो कभी क्लियर नहीं होगा। तो और कुछ इंस्टेंसिस में पढ़ रहा था मेडिकल, तो इट सीम्स लाइक कि कोलेस्ट्रॉल और ऑयल इज नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट वो ये कि एनर्जी नहीं है हार्ट के पास। तो जैसे अब आप कह रहे हैं एनर्जी की बात है, हार्ट को एनर्जी चाहिए या और बॉडी पार्ट्स को, जैसे मेरे को लेथार्जिक लगता था पहले बीच में, तो लेथार्जिक लग रहा है, तो मतलब फिर पानी का ही हम इनटेक कम या बढ़ाकर एक दूसरे करके देखें। नहीं, दूसरा उसका एक और आसान सा तरीका है, व्हेनेवर यू फीलिंग लेथार्जिक, वॉक फॉर 5 मिनट्स, घर में आराम से चल लीजिए। अच्छा, चलिए और उसके बाद 5 मिनट लेट जाइए। ओके, तो जो आप 5 मिनट में चलने से जो एनर्जी एनर्जाइज करके मूव कराएंगे, वो एनर्जी आपको 5 मिनट के बाद, अगर आप थकते नहीं है, अगर आप थक जाते हैं तो 5 मिनट का और कम कर लीजिए, 3 मिनट कर लीजिए। अच्छा, तो वो जो सरप्लस एनर्जी होगा एट द टाइम जब आप चलना बंद करते हैं, तो वो आपके हार्ट और ब्रेन को मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो उसे आप डाइवर्ट कर सकते हैं अपना एनर्जी की लिम्स की जगह हार्ट और ब्रेन हो, फिर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं दिन में आधा आधा घंटा 2-3 बारी, तो धीरे धीरे करके आपके हार्ट का स्टेमिना और वो सब बढ़ जाता है, हार्ट की जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है वो बढ़ती है, तो हार्ट स्ट्रांग हो जाता है। मैंने ये भी नोट किया था, मैं पीछे में जब मैं महीना पहले काफी मैं वॉक पे जाता था मॉर्निंग में, और जो अपने 3-4 चक्कर अपने पार्क के लगाता था, तो स्टेमिना तो जरूर बढ़ता है, बट लेकिन मैंने औरों को भी जो देखा जो लगातार कई सालों से आ रहे हैं, जब मैं नोट करता हूँ, क्योंकि हमारा जो घर है फेसिंग, जो बालकनी है फेसिंग पार्क है, या कभी मैं जाता हूँ तो देखता हूँ, जो बंदे 10-10 साल से जो लगातार आ रहे हैं, उनका मैंने फिजिकल कभी कोई चेंज नहीं देखा। मैंने मतलब जो टूटू थे, यानी जो मोटे हैं तो मोटे ही हैं, उनका आज तक मैंने नहीं देखा कि वो स्लिम एंड ट्रिम हो गए हैं। जो योगा कर रहे हैं वो एज इट इज है, मैंने उनको कोई फर्क नहीं देखा। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि इनका क्या रीजन है कि बंदा इतनी मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी उनकी बॉडी कैसी कैसी है। तो जब मैं अपने ऊपर इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं देता, ज्यादा मतलब कहते हैं टॉर्चर नहीं करता अपनी बॉडी को, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है मैं नॉर्मल मेरी वॉक में पूरी हो जाती है, तो मैं अननेसेसरली इसको स्ट्रेस में या स्ट्रेन क्यों करूं बॉडी को। घर के अंदर मैं जरूर वार्म अप एक्सरसाइजेस, थोड़ी योगा कर लेता हूं, बट उतना ही करता हूं जितना कि मेरी बॉडी अलाउ करती है। हाँ जी, एक तो वो इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरा ये होता है, मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ। अब मान लीजिए पार्क के आपने 4 चक्कर लगाए, अब आपको ये पता लगाना है कि आप थके हैं कि नहीं थके। हाँ, तो एडमिट तो कोई भी नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं करता। हाँ, पहले तो हम बिल्कुल नहीं करते थे, हम तो कहते हैं हम 10 घंटे चला लो कुछ नहीं होता। हाँ, पर उसका एक टेस्ट ये है कि आप थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करिए जमीन की तरफ,
कमर में देखिए कितनी स्टिफनेस है। हाँ, स्टिफनेस हो जाती है। तो वो स्टिफनेस इज इंडिकेशन कि आप थक चुके हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन हो चुकी है, तो जहां से भी इमरजेंसी से निकाल सकते हैं निकाल ली। हाँ, आप गर्दन को मोड़ेंगे गर्दन भी स्टिफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। पर 5 मिनट बाद या 3 मिनट बाद जब आप देखेंगे चलने के बाद, तो आपको स्टिफनेस नहीं दिखाई देगी, आपको लगेगा और इलास्टिक हो गई। हाँ, हमें वहां रुकना चाहिए। ओके। तो क्योंकि उसका एक इंडिकेशन है कि उस समय आपकी बॉडी सरप्लस एनर्जी मोड में है। तो अगर सरप्लस में है तो सरप्लस जाएगी कहाँ? अगर आप लेट गए तो हार्ट को ही मिलेगी, ब्रेन को ही मिलेगी, वाइटल ऑर्गेन्स को मिलेगी, वो दोबारा से ग्लूकोज में या फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वो थोड़ा थोड़ा एनर्जी हम देते रहे कि भाई सुबह उठकर घंटा भर ये करें, आधे घंटा ये करें कि 5 मिनट चलें 5 मिनट लेट जाएं, और चलना भी आराम से ही है। और अगर पार्क में जाएं तो 5 मिनट चलें और लेट सकते हैं लेट जाएं, नहीं तो आराम से बैठ जाएं रेस्ट करें। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपको खूब ब्रिस्क वॉक करना है। डॉक्टर बोलता है तेज चलो तेज चलो। अब तेज चलने से मैंने देखा लोग बहुत बहुत तेज चलते हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा सर। मैं कुछ साल पहले खेलने जा रहा था और खेलने के लिए भी बैडमिंटन यूज करते थे, जो कि कहते हैं सबसे ज्यादा फिटनेस के लिए बढ़िया है। करेक्ट। हाँ, हमारे साथ जो खेलने वाले थे उनमें से कुछ 100 किलो के थे। तो मैं कई बार वो अपना ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर और वेइंग मशीन ले गया वैसे ही चेकअप कराने के लिए लोगों का। तो उनको जब रियलाइज होता है ना, देखते हैं कि अरे 100 किलो की टच कर रहा है, तो उसके उन्होंने क्या किया, जो हफ्ते में 2 दिन खेलते थे सैटरडे संडे को, उन्होंने 7 के 7 दिन खेलना शुरू कर दिया, सुबह भी और रात को भी। अच्छा। तो अगले 2 महीने के अंदर उनका वेट 4-5 किलो गिर गया। हाँ। और उसके बाद वो वैसे ही खेलते रहे। तो जिनका 4 किलो कम हुआ था उनका 6 किलो बढ़ गया। अच्छा। तो बेसिकली हाँ। थोड़ा सा जब वो एक्टिविटी को चेंज करते हैं हमारा मेटाबॉलिक रेट या ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, सडन एकदम फर्क पड़ता उसका। परंतु उसके बाद जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, धीरे धीरे करके जो एनर्जी बननी थी वो लिम्फ से यूज कर लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वहां से ड्रेन होने लगती है। तो हमारे वो जो एनर्जी आप जनरेट कर रहे थे वो आपके हार्ट में से कम हो गई, तो आपके हार्ट को जो पहले एनर्जी मिल रही थी उसमें से कम हो गया, माइनस हो गया। करेक्ट। तो धीरे धीरे करके जो आपने बर्न सेव किया था, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा किया था, वो धीरे धीरे करके सेव हो गए, वहीं का वहीं लाके रख देता है, नहीं वापस आ जाता है। करेक्ट। मैंने यही इसलिए मैंने 90% लोगों को देखा है कि कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है किसी को। ऐसे ही मैंने अपने ऊपर भी ट्राई किया कि मैंने शुरू में खूब मैंने वॉक किया, एक्सरसाइज आके करता था, बल्कि मेरे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था मेरे ऊपर। बिल्कुल। मैं आके फिर मैं योगा करता था, फिर अपने वो थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करता था, वो मेरे को बजाय कि मतलब 10 दिन तो खूब अच्छा लगा, और 15-20 महीने के बाद मेरे को लगने लगा ये तो मेरे को उल्टा इम्पैक्ट हो रहा है इसका, फिर मैंने छोड़ दिया उसे। सर मैं आपको बताऊं, योगा करने वाले विकासपुरी में 3 लोगों से मेरी बात हो चुकी है। हाँ। तीनों को एसिडिटी है और तीनों के तीनों बहुत ज्यादा योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं। हाँ। और उनका एसिडिटी का जो रीजन, मैंने कहा जी आप एक काम करो, एक दिन पानी बंद कर दो। हाँ। और योगा बंद कर दो हफ्ते के लिए, आपकी एसिडिटी 36 घंटे में कम्प्लीट ठीक हो जाएगी। तो उनकी ठीक भी हो गई। अब उसके बाद मुझे कैसे आइडिया लगा कि वो हाउ सीरियस वाज द सजेशन, मुझे एक साल बाद फोन आया जी मैं हमें ब्लड शुगर भी है उसका भी इलाज बता दो। तो आदमी उसी को दोबारा पूछता है जिसका काम कोई बताई हुई चीज एक तो डिफरेंट हो और एक कुछ काम किया हो सडनली और मतलब हैरानी कर देने वाली बात करी हो। करेक्ट। सो उसके अलावा एक और सज्जन है, उनका वेट 110 किलो है। तो मैंने उनका पानी का इंटेक को चेंज किया, हफ्ते 10 दिन में उनका 4-5 किलो गिर गया। हाँ। और बाकी सब पैरामीटर्स भी ठीक हुए, पर उसके बाद वो एग्रेसिव हो जाते हैं। उन्होंने जो पानी का बताया था उन्होंने बहुत ज्यादा कम कर दिया, उनको मैं बार बार बोलता रहा कि तो 1-2 दिन के बाद उसको बढ़ाना होता है। उन्होंने किया नहीं, उन्होंने और ज्यादा एक्सेसिव कर लिया कि मैं तो योगा करता हूँ रोज सुबह 2 घंटे करता हूँ, वो हॉस्पिटल पहुंच गया हफ्ते बाद। अच्छा। सो देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, बैलेंस करना है और केयरफुली करना है, और मैं पहले से कहता हूँ मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बी केयरफुल। नहीं, यू आर राइट। नहीं, आप फिर भी आपका सजेशन मेरे को काफी मतलब एकदम सटीक लग रहे थे, क्योंकि आपकी जो थॉट है वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे आप, मैं इनको भी बोलता था कि आप जो है दवाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हो, दवाइयां छोड़ो, अगर एक दिन भी दवाई नहीं लेती थी या कोई मिस हो गई तो उनको पैनिक हो जाती थी कि मैंने दवाई नहीं ली पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे को बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। मैं इनको ये बोल रहा था यार दवाइयों का भी एक डॉक्टर लोगों ने बहुत हवा बना दिया हुआ है कि हमारे यहाँ जरा सा पैरामीटर चेंज होता है या बढ़ गए तो डॉक्टर डरा देता है ये दवाइयां खाओ। मैं आपको ये जब मैं बताऊं ये जब जब डॉक्टर के पास गई है ना उसने 2 दवाइयां बढ़ाई दी है बजाय कम करने के। सर मैं आपको हैरानी की बात बताता हूँ एक और। मैंने ये शुरू क्यों किया 3-4 महीने पहले, एक दिन बैठे बैठे मैंने कहा देखते हैं दोबारा से, मैं पढ़ तो बहुत सालों से रहा हूँ, मैंने कहा एक बार देखते हैं कि डायबिटीज के और ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम्स होते हैं।
हाँ तो डायबिटीज के दो ही है, प्यास लगना और पेशाब आना। तो आप ज्यादा पानी पियोगे पेशाब करेगा, पेशाब आएगा ज्यादा पानी पियोगे प्यास भी लगेगी। हाँ तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आपको पेशाब ज्यादा रहे पानी कम कर दो, पेशाब भी कम हो जाएगा प्यास भी कम हो जाएगी। परंतु वो डॉक्टर उल्टा कहते हैं उसके। अब सिम्टम्स इसके अलावा डायबिटीज के कोई नहीं है, ब्लड प्रेशर का भी कोई सिम्टम नहीं है, वो तो नोन एज साइलेंट किलर्स अगर आप पानी का इंटेक नहीं बढ़ाए हुए हैं तो। अब आ जाइए आप दवाइयों के सिम्टम्स पर। आप गूगल करिए साइड इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज मेडिसिन, 15 साइड इफेक्ट्स हैं। उनमें से जो सबसे सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट है वो है थकान। कारण क्या है कि जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा या ब्लड शुगर बढ़ी, उसका बेसिक एम है कि आपके हार्ट को जो एनर्जी मिलनी है वो कम ना हो, क्योंकि वो ज्यादा सीरियस अफेयर है। अगर हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हार्ट अटैक होगा। और ब्लड शुगर, क्योंकि शुगर हमारा एनर्जी का मेन सोर्स होता है, हमारे सेल्स में ग्लूकोज जाती है जिससे हमारी एनर्जी बनती है। करेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं कि हम दवाई खाते हैं, वो दवाई क्या करती है कि आपकी बॉडी के जो सब सिस्टम होते हैं अंदर के, वो उसको स्विच ऑफ करती रहती है धीरे धीरे करके। आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम करती रहती है, आपको थकान होती है, परंतु थोड़े दिनों के बाद वो आपके कोई ना कोई सिस्टम बंद हो जाता है, वो काम करना बंद करता है, तो आपको थकान थोड़ी सी कम हो जाती है। पर सिग्निफिकेंट फिर उसके अलावा सूजन और बाकी सब चीजें, उससे क्या होता है कि वो सब क्यों होता है, क्योंकि आपका हार्ट कम काम करेगा तो जो फ्लूइड निकलता है यूरिन के थ्रू या किसी तरीके से वो भी कम हो जाएगा, तो आपका बॉडी एक्यूमुलेट करेगा तो स्वेलिंग भी होगी, स्किन में भी प्रॉब्लम होती है उसी की वजह से। तो ये दवाइयों के साइड इफेक्ट है। और अगर किसी को शुगर हो और वो शुगर का ध्यान करके हमारे दो फार्मूले पर रह जाए तो दो दिन के अंदर ठीक हो जाता है। और अगर इनका जैसे कई सालों से था, मैं तो कहता हूँ 20 साल से भी जिसको हो, 2-3 दिन के अंदर दवाई छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बुजुर्ग का भी ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर चल रहा था, एकदम से सब बंद करा के शुरू करा दिया, फर्स्ट क्लास चलता है। कभी बाई चांस मेरे को अच्छी बात। तो एक बार एक दिन के लिए ले लो, ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा डर लगता है तो। जिस समय जंप मारता है उस समय ले लो एक गोली। नहीं, आज आपने आपका फॉलो करने से अब तीसरा दिन तीसरा दिन है आज, तो ऊपर मतलब टचवुड की अभी तक जो है बिल्कुल विदाउट मेडिसन बिल्कुल कंट्रोल में ही मैं मान रहा हूँ। अभी भी जो इनके जो ये पैरामीटर आए हैं ये बहुत ज्यादा डराने वाले नहीं है कि या बहुत ज्यादा चौंकाने वाले नहीं है। पैरामीटर के अलावा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आदमी और ज्यादा खुश और बेटर फील करता है। ये तो पैरामीटर तो अलग चीज है, पर अंदर से फीलिंग अच्छी आती है। नहीं, इनको ये भी थोड़ा फील तो फर्क तो लग ही रहा है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली या मेंटली कह लीजिए थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो अब मैं इन्हीं को ये इंजिस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा, मैं आपसे सलाह इसीलिए कर रहा होता हूँ ना कि कई बार ये जो अगर थोड़ा सा इनको भी गाइड कर सकूं कि इस टाइम ये कर लो या ये कर लो आपके हिसाब से, तो थोड़ा मैं भी फॉलो किया हूँ तो मेरे को भी थोड़ा फर्क लग रहा है। आजकल खैर मैं थोड़ा सा वैसे अलग चीज से वैसे परेशान हूँ, थोड़ा लथार्जी की थकावट दूसरे रीजन से है मेरे लिए, क्योंकि काम जी का अलग चीज है, बट अदरवाइज मैं फिट हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो बट मैं नॉर्मली वैसे भी आपका मैं इसलिए फॉलो करने की कोशिश साथ कर रहा था कि भी मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी में क्या फर्क लगता है। ठीक है सर। तो मेरे को काफी फर्क मुझे भी लगा है, तो बाकी इनको भी ऊपर वाले यार रेस्ट करने वाला भी करिए। हाँ जी, चलने वाला और रेस्ट करने वाला भी करिए। हमारे ये रात को करना चाहिए सोने के टाइम पे? सर सोने से पहले करेंगे बहुत अच्छी आएगी, पेट अच्छा साफ होगा। सुबह सुबह भी उठ के करेंगे तो भी पेट जितना साफ होता है उससे बेटर होगा आपको पानी की। सुबह पानी पीना जो खाली पेट पी रहा हूँ उसे बंद छोड़ दो मैं? हाँ, उसको छोड़िए, क्योंकि जब आप चलेंगे और रेस्ट करेंगे आपके बेसिकली क्या है कि आप जितना मर्जी पानी पी लीजिए सुबह, एक से जाएगी जब कॉन्स्टिपेशन होगी होगी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के लिए पेट के मसल्स को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी आप पानी से कब तक उसको धकेल लोगे? नहीं, वैसे आज तक टचवुड मतलब मेरे को कॉन्स्टिपेशन की कभी कोई प्रॉब्लम रही नहीं है सर। अगर अगर हर आदमी 100 साल तक जिएगा तो हर आदमी को कॉन्स्टिपेशन होगी कभी ना कभी। हाँ, कभी ना कभी तो हो जाती है, बट ऐसा नहीं कभी ना कभी नहीं, रेगुलर बेसिस पर ही होगी। लास्ट में 80 साल बाद हो, बेशक 90 साल बाद हो। अच्छा, एज पर एज वाइज रेगुलेशन जो है वो एनर्जी लेवल पर है। जैसी एनर्जी कम होती जाएगी आपकी वो कॉन्स्टिपेशन होगी, तो वो एनर्जी से रिलेटेड है। उसका पानी से सिर्फ ये है कि हम उसको जबरदस्ती धकेल रहे हैं, पानी से पुश करते हैं नेचुरली। और अगर हम पानी से नहीं करेंगे तो एनर्जी, अगर बॉडी में एनर्जी जनरेट करेंगे तो अपने आप से पुश होगा। ओके, आप कह रहे हैं कि सुबह भी थोड़ा चले, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा चले रेस्ट करें, रात को भी करें सोने से पहले। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो उससे बॉडी पार्ट्स को मतलब अपने आप एनर्जी मिलेगी, वो अपने आप काम करेंगे, फंक्शन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी।
तो जैसे वैसे मेरे को एक और चीज बताओ, जैसे अब जैसे कहते हैं शुगर जिनको होती है उसका पेनिक्रिया मतलब काम नहीं कर रही होती ढंग से, मतलब इस वजह से शुगर हो जाती है ना, तो सर आप देखते पेनिक्रिया जाइए जो है पंद्रह दिन इसको भी बाद एक्टिवेट हो जाता है। सर कोई पेनक्रियाज काम करना बंद नहीं करती है, कुछ नहीं होता है। पेनक्रियाज काम करना बंद कर दी या नहीं कर दी इसका नापने का कोई तरीका नहीं है। किसी को कुछ और दिखाई नहीं देता तो जो मन में हेलो, आता है। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, पेनक्रियाज काम करना बंद कर दिया इसको देखने का कोई तरीका नहीं है हाँ ये तो। और कोई ये बताया कि पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है तो ऐसे बोल देते हैं कि पेनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया अच्छा हुआ। हेलो, हाँ, आवाज बीच बीच में सिग्नल जा रहा लग रहा है। अच्छा अभी आ रहा है हाँ आ रहा है आ रहा है। सर। बेसिकली जैसे मैं कह रहा था 90% में ग्लूकोज भी कम हो गई क्योंकि फ्लूइड बढ़ गया तो इंसुलिन भी कम हो जाएगी, तो इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों कम होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। अब हम जबरदस्ती इंसुलिन बढ़ाते रहेंगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका। तो ये करो। पेनक्रियाज कभी काम करना बंद नहीं करता, ये बेकार की बात है। क्योंकि जैसे ही वो फ्लूइड कम होता है हाँ इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलने लगता है शुगर से, तो पेनक्रियाज वाली बात करो। झूठ है। इवन मेरे हिसाब वही से पहले वो ही जो है सर, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि डॉक्टरों का वैसे मुझे भी ये लगता है कि डॉक्टरों का भी ज्यादा जरा थोड़ा सा जानबूझ के या कह लीजिए उनका प्रोफेशन है ऐसा, वो थोड़ा सा डरा देते हैं, कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, टेस्टों में जरा सा वो ऊपर नीचे हुआ तो जी वो डरा देंगे जी चालू हो गई दवाई, अब इसको आप छोड़ नहीं सकते। इवन मेरे मेरे को जो थायराइड की मेडिसिन चालू करी थी उसने, हेलो, हाँ जी हाँ जी तो वो यही बोल रहा था जी अब आपके समझे परमानेंट सारी उम्र खानी है आपको। सर, मैं आपको एक मैंने चीज कहा जी मैं बताऊं तो सर, दवाई बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं चाहे एक मेरे को कुछ भी रहे दवाई तो मैंने हेलो कोई भी नहीं देखेंगे उसे। सर, एक इंस्टेंस बता देता हूं आपको मैं। हाँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का जो चीफ है डायबिटीज का, हाँ जी उसको खुद डायबिटीज है, तो हाँ वो करीब हमारे से 4-5 साल छोटा है। अच्छा तो मेरे फ्रेंड का दोस्त है, वो उसके पड़ोस में रहता है। अच्छा तो उसने कहा कि जब डायबिटीज हुआ तो उसने दवाई वगैरह खानी शुरू करी, इंसुलिन नहीं शुरू करी। अच्छा तो वो खेलने वेलने जाता है और उसी उसी के थ्रू वो मैनेज करने की कोशिश करता गया। तो मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैंने कई बार समझाया कि इसका खेलने से और खाने पीने से कोई लेना देना ना शुगर से, इसका लेना देना है, आराम से शुगर खाओ। तो वो नहीं माना, अब वो इंसुलिन पर आ गया। ओह अच्छा अब उसका अपना अपना तो मैनेज हो नहीं रहा, दुनिया को ठीक कर रहा है। तो मेरे को तो इसके अलावा जो एक कोरा करके मैं जहां पर होता हूँ अपना लिखता हूँ हेल्थ के ऊपर, वहां जितने भी टॉप लेवल के नंबर 1 2 3 4 है सबको डायबिटीज भी है और ब्लड प्रेशर भी है, परंतु तो दुनिया को एडवाइस करने से बाज नहीं आते। मतलब हाँ कम से कम वो एडवाइस करें जो अपना पहले ठीक कर ले। तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ये वही सबसे तो बड़ा फ्लॉ तो यही है कि हम ऐसे लोगों से इलाज कराते हैं जो खुद ही बीमार पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है ही है। तो अब आपका चलो अब आपके साथ बातचीत हुई या थोड़ा सा इंटरेक्शन होगी तो कई चीजों का ज्ञान बढ़ेगा, ओके सर, थैंक तो यू। मैं करता हूँ सर इसको कंटिन्यू करता हूँ और आपको भी मैं इसके साथ टाइम टू टाइम हम शेयर करेंगे तो जी सर, आप इसको उधर। इसको हाँ जी शेयर भी करिए और इसको रामदेव से बड़ा एक बनाइए, अच्छा क्योंकि दिस इज समथिंग, मतलब हेल्थ का मैंने ना लाइफ में कभी सोचा नहीं कि पैसा कमाना चाहिए। इन लोगों ने सबने धंधा बना रखा है, अब इनको एसिडिटी होती है क्यों नहीं ओपनली एडमिट करते। बेसिकली करेक्ट आप पैसा जितना मर्जी कमा लो पर कम से कम जो तो आपके साथ बीत रही है वो तो बताओ ना। बिल्कुल आपको एक इंस्टेंस और बता देता हूँ। रामदेव हाँ ने स्वच्छ भारत स्वाभिमान करके एक शुरू किया था प्रोग्राम, हाँ उसका चीफ बनाया था उसने राजीव दीक्षित को। वो हाँ भी योगा के बारे में और स्वदेशी के बारे में और देसी इलाज के बारे में बोलता था। काफी यूट्यूब पे भी बहुत है उसका। बहुत सारी वीडियोस हैं। उसकी डेथ ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर से हुई थी और डेथ होने से एक दिन पहले उसने कहा कि मैं 18 साल से एक भी दवाई नहीं खाई, मुझे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। और उसके मरने के 2-4 घंटे के अंदर रामदेव का वीडियो है जो कहता है कि इसको ब्लड प्रेशर था, ब्लड शुगर था और इसको हार्ट अटैक हुआ। और मैंने इसको कहा 1 घंटा तक टेलीफोन पर समझाता रहा कि एंजियोप्लास्टी करा ले, पर ये नहीं माना इसलिए मर गया। अच्छा और 40 साल की उम्र में मरा है वो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की वजह से। और वो भी बोलता था सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। तो बेसिकली अब उस चीज को छुपाने के लिए कि पब्लिक अब रिएक्ट करेगी इस चीज को कि भाई कल तो तू बोल रहा था कि मेरा कोई बीमारी नहीं, आज मर भी गया। तो इन लोगों ने दूसरी अफवाह फिर उसके बाद उड़ाई। ये तो उन्होंने मतलब एकदम से एक होता है ना नेचुरल रिएक्शन उसमें कर दिया, और नेक्स्ट रिएक्शन क्या था सोच समझ के जो इनके एडवाइजर्स होते हैं बिजनेसमैन होते हैं उन्होंने बोला कि जी इनको जहर दे के मारा है। अच्छा इनको पैसे के अलावा कोई किसी चीज से मतलब नहीं है।
करेक्ट करेक्ट। हाँ वो तो एक बड़ा मतलब लेवल पे एक तरह की गेम ही है सर, ये तो है। मैं तो चलिए आप सर बताइए, वैसे ठीक सर आप बताइए सर, वैसे नॉर्मली आप क्या है? आप वैसे एडवोकेट हैं सर? हाँ जी मैं एडवोकेट हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, पर अभी लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, अच्छा लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर अभी भी ज्यादातर टाइम इसी में ओके। निकलता है हेल्थ के ऊपर लिखने में। अच्छा तो कोई अपना ब्लॉग बनाया हुआ है, कैसे कहाँ लिखते हैं आप? हाँ जी एक ब्लॉग भी है और एक कोरा करके, ब्लॉग है, हाँ जी ब्लॉग है हेल्दी इंडिया नाउ डॉट इन, कौन सा? हेल्दी इंडिया नाउ डॉट इन। अच्छा हेल्दी इंडिया नाउ डॉट इन, हाँ जी ओके। अच्छा जी तो नॉर्मली वैसे बस वैसे और कैसे अपना जो है सोशल मीडिया में और कहाँ पे आप एक्टिव हो? कोरा में क्यों कोरा यू क्या है? ये जैसे फेसबुक है ये भी ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा है, बल्कि कई सेंस में तो फेसबुक से भी ज्यादा एडिक्टिव और ज्यादा पॉपुलर अच्छा है अमंग इंजीनियर्स वगैरह में और पढ़े लिखों में। अच्छा क्यू यू ओ आर ए है अच्छा मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में, तो यू सर। ओ आर ए। हाँ जी इसमें क्या है आप टॉपिक्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज का किया तो कोई भी डायबिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आ जाएगा, कोई भी आंसर देगा तो आपको मिल जाएगा। समझ गया मैं, उसको लो कमेंट्स देते हैं, उसको अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। हाँ जी एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम है जैसे किसी को खांसी जुकाम हो रहा है नहीं ठीक हो रहा, तो ही मिल से कि मेरे को क्यों हो रहा है इतने साल महीनों से, कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं। तो जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मैंने सब्सक्राइब किया और फॉलो करता हूँ कोरा इसको डायबिटीज को साइनस अच्छा को और बहुत सारी बीमारियों को, तो बेसिकली अब उसमें रैंकिंग भी होती है कि आपके कितने आंसर्स देखे जा रहे हैं और आप कितना पॉपुलर हो गए। तो मैं हाँ करीब अच्छा 6 बीमारियों के ऊपर नंबर 1 हूँ दुनिया में। हाँ आई एम बेसिकली मोस्ट रेड राइटर इन लास्ट 30 डेज, अभी तो करीब 60 डेज से भी ज्यादा हो गए हैं, और हाँ करीब 10 और में किसी में पोजीशन 2 है किसी में तीसरी पोजीशन है, और ज्यादातर लोग जो मेरे से आगे हैं वो ज्यादातर स्पैमिंग करते हैं या वो जवाब उनका यही अच्छा होता है, उनके साथ डिग्रियां बहुत लगी हुई है इसलिए लोग पढ़ लेते हैं उनको, अदरवाइज उनका जवाब यही होता है कि जी इसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मैंने तो आज तक किसी को ओके देखा नहीं है कहते हो कि ये ठीक कर सकता है कोई। अच्छा ओके। देखूंगा ये क्या क्योरा जो आप बता रहे हो, हाँ जी इसको किस पे आप सर्च करते हैं, नेट पे आप? हाँ जी गूगल पर या जहां पर google.com करते हैं ना वहां cura.com कर दीजिए, अच्छा क्यू क्योरा यू डॉट ओ आर ए। कॉम हाँ जी ओके। इसकी कोई ऐप नहीं है इसकी मतलब? ऐप भी है, प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए अच्छा तो उसको यूज ओके करना आसान है, आप कोई भी ईमेल एड्रेस और कोई ईमेल एड्रेस का पासवर्ड नहीं कोई सा पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए, अच्छा उसके बाद आप जैसे भी मतलब यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके अंदर दुनिया का हर सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, कोई सब्जेक्ट ना हो तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अच्छा समझ गया मैं, क्योंकि मेरे को भी ऐसे आज तक कभी कोई डिजीज रही नहीं, सिर्फ एक स्किन की प्रॉब्लम मुझे जरूर रही है काफी लंबे टाइम से, जो कि अभी भी मैं पूरी तरह से क्योर नहीं हूँ, बट ये कि आप थोड़ा सा कभी उसका वो जैसे होता है ना उबाल आता है, जोर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, बट खत्म नहीं होती है। जैसे थोड़ा मेरे हाथों में थोड़ा एक्जिमा टाइप जैसे है ना, सर सर वो सर कभी हो सर जाता है मेरे को। सर मेरा जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सक्सेस रेट है वो एक्जिमा पर ही है, जिसको 20 साल से भी, मेरा जो हाईएस्ट सक्सेस रेट है ना मरीज लोगों का जो ठीक करने का है हाँ वो एक्जिमा पर है, जिसको 20 साल अच्छा से एक्जिमा होता है वो 6 दिन में ठीक हो जाता है मेरे को बाकी भी 20-25 साल से ही है मेरे को भी। सर। जिनका कंटिन्यूअस होता है ना, जिनका अप एंड डाउन भी नहीं होता, इवन वो भी हाँ 6 दिन में ठीक हो जाता है। विकासपुरी में एक रेडी वाला है, उसको ठीक किया था 2 साल पहले, तो अच्छा, ही इज वेरी गुड। कम्प्लीटली फाइन। तो ओ उसका उसका ये है 36 घंटे के लिए पानी बिल्कुल जीरो कर दीजिए, उसके बाद दो अच्छा तीन दिन के लिए फ्लेयर अप करेगा बढ़ेगा और उसके बाद हाँ 6-7 दिन बिल्कुल जीरो हो जाएगा मतलब इसके लिए मतलब मैं भी करूँ कि बिल्कुल पानी ना पीऊँ, सर। वो कम भी कर कर दूँ सकते बिल्कुल? हैं, वो भी कर सकते हैं, और दूसरा सेफ रूट ये है कि खाने के साथ पानी को एक एक ग्लास कर लीजिए और बाकी बंद कर दीजिए, तो उससे कम भी हो जाएगा और वो बेसिकली स्किन के अंदर जो पानी जाता है वो नहीं जाएगा। ठंडा पानी मत पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, ओके जो ठंडा पानी होता है वो सीधा आपके पेट में से निकल के आपके इधर उधर छुपने की कोशिश करता है तो वो स्किन के अंदर चले जाता है, करेक्ट, क्योंकि तो वो स्किन के नीचे की लेयर्स में पानी बढ़ता है जिसकी वजह से एक्जिमा होता है। मैंने ये जो 2-3 दिन के साथ किया तो उससे थोड़ा सा उससे शांत हुआ है, मतलब कह सकते हो थोड़ा हाँ शांत है, अब जी हाँ हाथों पे ही है मेरे और कहीं नहीं है बॉडी में, सिर्फ हाथों पे फिंगर्स वगैरह के ज्वाइंट्स जैसे होता तो है ना, आप इसी बस को वहीं करिए, पे और इसी से कहीं ठीक नहीं हो है। जाएगा, इसी से ठीक हो जाएगा 100%। चलो चलो मैं इसको और करता हूँ, थोड़ा सा ठीक से इसको फॉलो करता हूँ ठीक है और सर, ऑब्जर्व करता हूँ, तो फिर मैं आपको 1-2 दिनों में फिर कॉल करता हूँ आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू बालाजी।